आज से शुरू होगा बजट सत्र। पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। बजट सत्र से पहले मीडिया से रूबरू होंगे पीएम, 10:30 बजे करेंगे बात। आज ही पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, देश की अर्थव्यवस्था की मिली पूरी झलक। कल का दिन ज्यादा अहम, कल 11 बजे देश 2022-23 का बजट पेश होगा। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा, दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। विपक्ष उठाएगा पेगासस और किसानों का मुद्दा, चीनी घुसपैठ पर भी हो सकता है हंगामा। कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर दबाव में, फिक्की को उम्मीद राहत वाला होगा बजट। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये तीन बकेट में, यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। निर्मला सीतारमण चौथी बार पेश करेंगे बजट, वित्तीय घाटा थामना बड़ी चुनौती। क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने का हो सकता है ऐलान, अब तक नियमन के दायरे से बाहर है ये डिजिटल मुद्रा। आज मैनपुरी जिले के करहल सीट से नामांकन भरेंगे अखिलेश यादव, चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे सैफई। आज यूपी में पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली, लखनऊ में तैयार हुआ बीजेपी का वर्चुअल स्टूडियो, इसी से होगा रैली का टेलीकास्ट। पीएम मोदी की रैली के लिए जबरदस्त तैयारी, 30 लाख स्मार्टफोन वालों को भेजा लिंक। सीएम योगी आगरा से पीएम की रैली में जुड़ेंगे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ से वर्चुअल रैली में जुड़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी दो जगह से लड़ेंगे चुनाव, चमकौर साहिब और भदौर से भरेंगे पर्चा। आज 11:30 बजे कैप्टन अमरिंदर भरेंगे पर्चा, अलग पार्टी बनाकर हैं मैदान में। सीएम योगी आज आगरा में करेंगे प्रचार, घर घर देंगे दस्तक, डिप्टी सीएम केशव मौर्य मैनपुरी में करेंगे प्रचार। सुखबीर बादल जलालाबाद से भरेंगे पर्चा, पिता प्रकाश सिंह बादल लांबी से पर्चा भरकर बनेंगे सबसे उम्रदराज उम्मीदवार। विक्रम अजीठिया की याचिका पर आज सुनवाई, 31 जनवरी तक सख्त एक्शन पर लगी थी रोक। उत्तराखंड में आज बीजेपी जारी करेगी इलेक्शन सॉन्ग, सीएम धामी करेंगे जारी। प्रचार में मिलेगी छूट या फिर बढ़ेगी पाबंदी, चुनाव आयोग की आज अहम बैठक में होगा फैसला। संक्रमण में सुधार के बावजूद चुनाव आयोग हड़बड़ी में नहीं, धीरे धीरे ही छूट मिलने की उम्मीद। 5 चुनावी राज्यों में कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति का जायजा लेगा आयोग, वैक्सीनेशन कैंपेन की भी होगी समीक्षा। संयुक्त किसान मोर्चा आज करेगा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, धोखा दिवस मनाएगा। बुलंदशहर के प्रचार में सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा पहले सीएम अपना आवास बनाते थे, हम गरीबों का मकान बनाते हैं। सीएम योगी का बयान, कुछ लोगों के लिए परिवार ही था सब कुछ, अब यूपी में माफियाओं की जगह नहीं। हापुड़ में भी प्रभावी मतदाता संवाद में सीएम योगी ने लिया हिस्सा, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। शिकोहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का घर घर प्रचार, रेलवे स्टेशन रोड पर लोगों की उमड़ी भीड़। हाथरस में भी जेपी नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों को दिया बीजेपी का पर्चा। हापुड़ में योगी का बयान, कहा ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में है कुछ जगह दिखाई दे रही है, मैं मई और जून की गर्मी में भी इसे शिमला बना देता। खुर्जा में भी योगी ने किया प्रचार, प्रबुद्ध मतदाता संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ ने किया प्रचार, कहा अब गोली नहीं गोला बनेगा उत्तर प्रदेश में। आगरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अखिलेश पर प्रहार, कहा नाहिद और आदिल जैसे लोग समाजवादी पार्टी को चलाते हैं। आगरा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का जयंत चौधरी पर निशाना, बोले जयंत अभी बच्चे हैं, नए नए चुनाव मैदान में उतरे हैं। साहिबाबाद में ओवैसी का घर घर प्रचार, अपने उम्मीदवार मनमोहन झा के लिए मांगा वोट। जेवर सीट से एसपी गठबंधन उम्मीदवार अवतार सिंह बढ़ाना पर कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप, बड़ी संख्या में जुटी भीड़। स्वार सीट से एसपी प्रत्याशी और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपनी जान पर बताया खतरा, प्रशासन पर भी उठाए सवाल। गोंडा से टिकट कटने पर बीजेपी नेता विनोद शुक्ला का पार्टी पर वार, कहा परिवार में लिप्त बड़े नेता।
बिजनौर में दंगल गर्ल और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने किया प्रचार, बिजनौर की 8 विधानसभा सीट पर किया जीत का दावा। गोवा में गृह मंत्री अमित शाह ने थामा प्रचार का मोर्चा, सनवोरदेम में किया घर घर प्रचार। गोवा में गोरिम के प्रसिद्ध साई मंदिर में अमित शाह ने लिया आशीर्वाद, साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का अल्मोड़ा के द्वाराहाट में प्रचार, बाजार में लोगों से मुलाकात। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने वर्चुअल प्रचार को बताया सही, कहा चुनाव आयोग का फैसला सही। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बनूनी ने आज तक से खास बातचीत की, कहा कांग्रेस की नीतियां देश को तोड़ने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली। जोरहाट में हाथी के बच्चे से दोस्ती देख सब हैरान, 3 की बच्ची 54 की मादा हाथी के साथ खेलती है पूरा दिन। पटना की ज्योति की कामयाबी की हैरान करने वाली दास्तान, कभी भीख मांगती है लेकिन आज चलाती है कैफे। कानपुर में बस ने कई लोगों को कुचला, 6 लोगों की मौत। ड्राइवर मौके से फरार, 1 दर्जन लोग घायल। वलसाड में हाईवे पर हादसा, कार डिवाइडर से टकराई, 2 की मौत। लखीमपुर खीरी में बारात की बस पलटी, बाल बाल बचे लोग। दिल्ली के हौसखास में एटीएम तोड़ने की कोशिश नाकाम, पकड़े गए लुटेरे। शिलांग में लो इंटेंसिटी का धमाका, आईईडी से धमाका करने का है शक, कोई घायल नहीं। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर इनकम टैक्स का छापा, जांच जारी, बेटा घर में रखता है प्राइवेट लॉकर। घर से कुछ जेवर मिले, पूर्व आईपीएस का दावा, हर गहने का हमारे पास पूरा हिसाब। सीतामढ़ी में जमीन के विवाद में बीच बचाव करने गई पुलिस पर हमला, 1 कर्मचारी का सिर फूटा। औरैया में बंजारा समुदाय ने किया वोटिंग का बहिष्कार, अनदेखी से है खफा। मेरठ में वन विभाग के दरोगा ने दिया इस्तीफा, कहा बीजेपी के लोग धमकाते हैं, सपा में हुए शामिल। मैनपुरी में कांग्रेस नेता का अजीब ड्रामा, टिकट कटने पर खुद को कमरे में बंद किया, आत्मदाह की दी धमकी। श्रीनगर में पार्षदों ने किया कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन, निर्दोषों की हत्या का आरोप। अरुणाचल चीन बॉर्डर पर स्थानीय नेताओं ने लोगों में बांटे कंबल, बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे। बिहार के जमुई में शिक्षक कर रहे हैं सरकारी आदेश का विरोध, सरकार ने दिया है शराब तस्करों की मुखबिरी का फरमान। मोतिहारी में भी शिक्षकों का विरोध, बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। एमपी के आगर मालवा में एक छात्र ने बनाया अनोखा कूलर, ठंड में गर्म हवा और गर्मी में ठंडी हवा देने का दावा। हरियाणा में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने किया सिरसा का दौरा, जनसंपर्क अभियान में लोगों की सुनी समस्याएं। कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार महेश त्रिवेदी पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज, अपराध के लिए उकसाने का मामला। बंगाल के हुगली में बीजेपी नेता दिलीप घोष की पुलिस से झड़प, मन की बात कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप। अयोध्या में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह का जेल में बंद, बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी पर आरोप, कहा प्रशासन कर रही है मदद। अमृतसर में अकाली उम्मीदवार विक्रम मजीठिया का सिद्धू पर आरोप, 18 से किसी न किसी पद पर तैनात रहे सिद्धू ने नहीं किया कोई काम। दिल्ली में घटे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 3674 नए केस, मुंबई में भी करीब 1100 ताजा मामले। नोएडा में 24 घंटे में 364 लोग कोरोना से संक्रमित, 1 मरीज की मौत, 762 लोग हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में आज कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले आए, 5 मरीजों की हुई मौत। फाइनल में नडाल ने रूस के मेदवेदेव को हराया, 5 सेट तक चला मुकाबला, शुरुआत में 2 सेट से पिछड़ने के बाद जीता मैच। अभी तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ फेडरर और जोकोविच के साथ बराबरी पर थे नडाल, चोट के बाद वापसी में किया कमाल। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, 2 फरवरी को भिड़ंत।